हेलो एवरीवन, वेलकम टू केआरएस सक्सेस शॉट। केआरएस सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के फॉर्म्स जो हैं वो ऑनलाइन फिलअप होना शुरू हो गए हैं, और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। लास्ट डेट आपके 9 नवम्बर है, और जिस भी लोगों को सहायक समीक्षा अधिकारी के फॉर्म को अप्लाई करना है, उन्हें पहले OTR फॉर्म जो है, रजिस्ट्रेशन जो है वो करना होगा। तो आप सभी लोग देर नहीं करिए, जिन लोगों ने OTR नहीं भरा है, OTR फॉर्म फिल कर लें, और OTR का जो नंबर मिलेगा वो उसके साथ ही आप जो है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का फॉर्म भर पाएंगे। तो आज के टॉपिक में हम करने वाले हैं कुछ विशेष चीज़ें। सबसे पहले तो ये नोट कर लीजिएगा, प्रदेश में खुलेंगे 7 जनजाति आवासीय विद्यालय। ठीक है, कहाँ खुलेंगे, किस प्रदेश में खुलेंगे 7 जनजाति आवासीय विद्यालय? तो ये खुलेंगे राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ठीक है, अशोक गहलोत ने 12 जुलाई 2023 को 7 जनजाति आवासीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है, और इसके भवन निर्माण के लिए 35 करोड़ रुपये, ठीक है, 35 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी दी है। अब ये 7 जनजाति आवासीय विद्यालय तो कहाँ कहाँ 7 देख लीजिए, पाली के सुमेरपुर, सवाई माधोपुर, भड़ोली बौली, ठीक है, और अजमेर के केकड़ी स्थित गीखरा, जालोर, डूंगरपुर के चिखली, और टांग के देवली स्थित त्रिपुरा में। तो ये नाम थोड़े से टफ हैं, बट ये ज़रूर याद रखिएगा कि कहाँ पे 7 जनजाति आवासीय विद्यालय खुलेंगे, तो ये खुलेंगे राजस्थान में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लैंसडोन, ये उत्तराखंड का एक नगर है। इसका नाम महावीर चक्र विजेता शहीद राइफलमैन बाबा जसवंत सिंह रावत के नाम पर, ठीक है, जसवंत सिंह रावत के नाम पर जसवंतगढ़ करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इम्पॉर्टेंट है, उत्तराखंड में 2 नए शहर बसाने की भी मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, कहाँ पे 2 नए शहर बसाने की मंजूरी दी गई है, तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में G20 इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, वर्किंग ग्रुप की 3री बैठक जो है वो संपन्न हुई है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिन्हें आपको बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के चंबल अभयारण्य के खातियार गिर इको रीजन वेटलैंड को देश के नए रामसर साइट में शामिल करने के प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे अनुसूचित जातियाँ जो कि 2003 में घोषित हैं। जनजाति और जनपद हम लोग साथ में करेंगे। पहला तो है गोंड समूह, इसमें गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पथारी, राजगोंड ये आते हैं। जनपद कहाँ कहाँ, महाराजगंज में सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली एवं भदोही में। सेकंड है, इसमें आपका खरवार समूह, खरवार और खैरवार, देवरिया, बलिया और गाजीपुर में। तीसरा है सहरिया, अच्छा देखिए ये जो आपका है देवरिया, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी सोनभद्र में भी। सहरिया है आपका ललितपुर में। नेक्स्ट है परहिया, ठीक है, परहिया ये आपका सोनभद्र में। नेक्स्ट है बैगा सोनभद्र में, पंखा और पनिका सोनभद्र एवं मिर्ज़ापुर में, अगरिया जो जनजाति है ये आपकी सोनभद्र में, ठीक है, पटारी भी सोनभद्र में, चेरू जो है ये आपकी सोनभद्र एवं वाराणसी में, भुइयां या फिर भुइयां ये भी आपका सोनभद्र में ही है। ठीक है, ये आपका लास्ट था। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा इसमें कि 24 दिसंबर 2022 को अधिसूचित संशोधन आदेश के द्वारा जो गोंड समूह के जनपदों में संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली एवं भदोही जो है शामिल कर लिए गए हैं। ठीक है, संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली एवं भदोही शामिल किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएँ ज़रूर से याद कर लीजिएगा, नदी और स्थल बता दिया जा रहा है। पहला है खारा, असन नदी कहाँ पे, सहारनपुर में। नेक्स्ट है माता टीला, बेतवा नदी ललितपुर में। नेक्स्ट है निर्गजनी, चित्रौरा, ठीक है, ऊपरी गंगा नहर ये आपका जो है गंगा नदी कहाँ पे, मुजफ्फरनगर में। नेक्स्ट है सलवा, भोला ये भी ऊपरी गंगा नहर गंगा नदी कहाँ, मेरठ में। नेक्स्ट है ओबरा, रिहंद नदी सोनभद्र में। नेक्स्ट है राजघाट, बेतवा नदी कहाँ पर, ललितपुर में। ठीक है, इसके बाद से अगला है रिहंद, रिहंद कहाँ पे, सोनभद्र में। बेलका, बाबैल ये पूर्वी यमुना नहर कहाँ पे, यमुना नदी सहारनपुर। शीतला कहाँ पे, बेतवा नदी
झांसी, ठीक है। ये 9 हैं, इनको आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा। तो आज का टॉपिक ये तीन टॉपिक था, तीन टॉपिक क्या, इसमें कुछ करंट के क्वेश्चंस भी थे और दो जो है आपका इम्पोर्टेंट जो अनुसूचित जाति बताया है और ये जो आपकी परियोजनाएं बताई हैं इनको आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।